आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर कम्स टू फोकस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर, ओके, बिहाइंड द लेंस, ओके। ये हमारे पास एक क्या है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ पासिंग थ्रू अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब क्या, कुछ ऐसे है, कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अगर ये एयर में रखा हो तो इसी को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है गाइस। कॉनकेव लेंस अगर एयर में रखा हो तो इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ओके ओके। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, बोल रहा है ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ डाइवर्जिंग लेंस, वो एक कन्वर्जेंट बीम आ रही है ऐसे, ऐसे एक बीम आ रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे एक बीम आ रही है जो कन्वर्ज हो रही है ऐसे, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर कन्वर्ज होती है ऐसे, ऐसे ये कन्वर्ज होती है यहाँ पर, तो लेकिन ये क्या बोल रहा है कि लेंथ इसका फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, फिजिकल टू 0.2 मीटर दिया हुआ है, यानी 20 सेंटीमीटर, ओके गाइस। मीटर कम्स टू फोकस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर बिहाइंड द लेंस, और ये कहाँ फोकस होती है गाइस, ये कुछ यहाँ 0.3 मीटर यहाँ पे फोकस होती है, जो लाइट होती है ये ऐसे फोकस होती है, कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे फोकस होती है, ओके यहाँ पे फोकस होती है, और ये डिस्टेंस कितनी है 0.3 मीटर, ओके। फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट वेयर द बीम वुड कन्वर्ज इन द एब्सेंस ऑफ द लेंस, बोल रहा है कि अगर ये लेंस यहाँ पे नहीं होता तो ये बीम कहाँ पे कन्वर्ज होती, वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए गाइस, ये हमने बनाया कि अगर लेंस यहाँ पे नहीं होता तो कुछ यहाँ पे कन्वर्ज होती, और यही पोजिशन हम लोग को फाइंड करना है, ये पोजिशन U, ठीक है गाइस। तो ये इसको हम लोग गाइस साइंस के लैंग्वेज में थोड़ा सा हम लोग बोले, इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं, मतलब कि जहाँ रेज जो होती हैं वो रिफ्रैक्शन से पहले मिलती नहीं है, मिलती हुई लगती हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहले रेज इमेज ऑब्जेक्ट, और इमेज की मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताने की कोशिश करता हूँ इसमें, ताकि आपको समझ में आए, ओके। देखिए, रिफ्रैक्शन से पहले अगर रेज सच में मिलती हैं तो रियल ऑब्जेक्ट, और मिलती हुई लगती हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जैसे रिफ्रैक्शन से पहले अगर रे यहीं से निकल रही हैं तो ये देखिए यहाँ पे मिल रही है रिफ्रैक्शन से पहले, तो ये रियल ऑब्जेक्ट, और अगर मिलती हुई लगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, और ऐसे मिलती हुई लगे, ऐसे आके इस पे गिरे और यहाँ पे मिलती हुई लगे, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ओके, ये रिफ्रैक्शन से पहले की बात है। और इमेज, इमेज में भी सेम केस है, इमेज में रिफ्रैक्शन के बाद अगर रेज जो है वो सच में मिले, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये हमारे पास एक लेंस है, यहाँ से रेज एक ऐसे गई यहाँ पे और एक ऐसे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो इमेज बनाए, यहाँ पे ये देखिए रेज सच में मिल रही है तो ये रियल इमेज, और जहाँ पे मिलती हुई लगे, जैसे मान लीजिए कि ये एक इमेज है और लेंस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये यहाँ से गई रे, यहाँ से ये रह गई, अब क्या हम लोग मान लीजिए इसको फोकस के अंदर रख दिए, फोकस के अंदर रख दिए, तो ये कहाँ से जाती है, जाके ऐसे पास होगी, और दूसरी रे कहाँ से पास होगी, कुछ ऐसे, तो ये दोनों आगे की तरफ क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो ये कहीं पीछे कन्वर्ज हो रही होंगी, यानी यहाँ पे ये मिलते हुए लगेंगी, तो ये क्या होगा, जहाँ पे मिलते हुए लगेंगी वो वर्चुअल इमेज, ठीक है गाइज। तो ये वर्चुअल और रियल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या है गाइज, क्योंकि रिफ्रैक्शन से पहले ये मिलती हुई लग रही है, सच में मिल नहीं रही है, तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यू हमें फाइंड करना है, वी हमें पोजिशन दे दिया है, वी की पोजिशन हमें दे दिया है, वी इज इक्वल टू कितना है 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर, फोकस कितना है गाइस, फोकस है -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ओके। तो बस फॉर्मूले में पुट करते हैं, लेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, तो 1/v की वैल्यू हमें पता है, 1/v की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 1/30 - 1/u = 1/f की वैल्यू 1/-20, ओके। तो यहाँ से अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम लोग को 1/u की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, 1/30 + 1/20, क्योंकि ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ओके, 1/30 + 1/20, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा गाइज, 60, यानी ये हो गया 2 + 3, 1/VU = ये हो गया, ओके, यानी इसकी वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी क्या, U = हमें मिल जाएगा 60 / 5, 60 / 5 यानी 12 सेंटीमीटर,
12 सेंटीमीटर, ठीक है गाइज, 12 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर ये इमेज, ये लेंस यहाँ पे नहीं होता तो ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा होता, 12 सेंटीमीटर पे, और अगर मीटर में चेंज करना चाहे तो 0.12 मीटर। ओके गाइज, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो ये थोड़ा सा इसको डाइवर्ज कर दिया है तो इसलिए ये थोड़ा दूर आके मिला है, ठीक है। लेकिन अगर ये लेंस यहाँ पे नहीं होता तो ये 0.12 मीटर यानी 12 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रहा होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।